सो गाइस आप देख सकते हो क्राइम पेट्रोल का ही सेटअप है यहाँ पे, क्राइम पेट्रोल शूटिंग होती है। आप अभी देखो यहाँ पर एक बंदा गिरा पड़ा है, ब्लड में कैमरामैन शूट कर रहे हैं और यहाँ पे अभी पुलिस की गाड़ी आ चुकी है। यही आप बता रहा था कि क्राइम पेट्रोल शूटिंग कैसी होती है, आप देख सकते हो। मैं पहले आपको लाइव दिखा रहा हूँ कि ये सीन कैसे कैमरामैन शूट करते हैं, यही सीन होता है। अभी देखो पुलिस वाले आते हैं, उस बंदे को पकड़ते हैं और यहाँ से सीन स्टार्ट होता है। क्राइम पेट्रोल में हमेशा मुंबई में शूटिंग होती है, क्राइम पेट्रोल की मोस्टली शूटिंग बाहर नहीं होती है, मुंबई में ही शूटिंग होती है। एक काफ़ी लोगों को पता नहीं है। अभी देखो कैमरा शूट कर रहा है, यहाँ पे मेन जो डीजीपी बने हैं वहाँ पर सब लोग ऑर्डर देते हैं चलो अंदर जाके, जिसने बच्चों को किडनैप किया है यहाँ पे, क्योंकि बच्चों लोग किडनैपिंग का सीन है। अभी सब बंदूक निकाल के अंदर जाने वाले हैं। मैं अभी एंडिंग तक आपको बताऊँगा कि सीन कैसे कैसे शूट होगा, और अभी इसके बाद आप देख सकते हो ब्लॉग में बने रहना एंडिंग तक और देखते रहना। सो गाइज मिलते आपको आगे ब्लॉग में, बहुत मजा आएगा, आप देखते रहो। थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहो। देखो मेरे पास ट्रांसफर लेटर है तुम्हारे लिए, ये देखो। ओए टेडी बेयर यहां कैसे आ गई? कैमरामैन अमित भाई जो झाड़ के ऊपर चढ़कर शॉट ले रहे हैं, आप देख सकते हो गाइस लाइव शॉट है। और आपने कभी देखा नहीं होगा कि कोई कैमरामैन झाड़ के ऊपर चढ़ के लॉन्ग शॉट ले सकता है। कैमरामैन अमित भाई ने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट किया और वो कैमरामैन कैसे बने, उन्होंने मुझे बता दिया है अपने इंटरव्यू में। आप सुन के आप भी कैमरामैन बन सकते हो उनकी तरह। अमित भाई आप सिनेमा ऑटोग्राफर हो, आप इतने साउथ इंडिया में इतने खतरनाक सीन लेते हो तो आपको डर नहीं लगता? एक्चुअली कैसा होता है कि जब सिनेमाटोग्राफर बनते हैं तो ये होता है कि प्रोफेशनल कैसा है तुम्हारा, अभी चॉइस से किया है तो सिनेमाटोग्राफी, तो मैंने सोचा कि चलो करते तो एक्शन सीन में मज़ा आता है, ऐसा नहीं होता है कि डर लगता है, डर तुम्हारा चला जाता है। और बहुत सारी सेफ्टी चीज़ें होती है, फाइटर होते हैं, स्टंट वाले होते हैं, एक्शन वाले होते हैं, तो वो आपका सपोर्ट करते हैं। वो सिनेमाटोग्राफर को ऊपर पहुँचे तो नीचे भी उतारते हैं, जैसे हीरो को उतारते हैं, बॉडी डबल्स होते हैं, तो इसलिए अच्छे से हो जाता है। नहीं अभी एग्जैक्टली मैंने भोजन को देखा ना कभी इतना, वो जिमी जीप इसमें सब देखा मैंने, पहली बार देखा था कि झाड़ के ऊपर से आप इतना, मैंने वो फुटेज निकाला हो मैं तो मुझे एक्चुअली क्या था कि यहाँ पर वो जो जिमी का यहाँ पर नहीं आया था, तो उस वजह से हाइट पे चाहिए था शॉट, तो मैंने सोचा चलो चढ़ जाते ऊपर ऊपर करके देखते हैं। एग्जैक्टली आपने अभी तक कितने शो किए? एक्चुअली मैंने शोज़ बहुत कम किए, मैंने सीरीज़ किया है, फिल्म्स किया है, तो मनु सर के साथ किया है, मनु बंसल सर के साथ में किया है, तो उस हिसाब से थोड़ा सा थोड़ा। वो एक सीरीज का नाम बता हमारी मेंटीज किया है मैंने, खफस के कुछ पैच वर्क किया है। अच्छा ऐसा मैंने किया है। तो आप इस लाइन में कब से हो? मैं लगभग मुझे अभी तक के पांचवा साल चल रहा है मेरा, पांचवा साल बी असिस्टेंट, बी ग्राफर, उसके बाद फिर एसोसिएट, फिर चीफ, फिर सिनेमाटोग्राफर, अभी एज ए डीओपी भी मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ। अच्छा। सॉन्ग्स भी किए मैंने काफ़ी सारे, अगर आप मेरा नाम गूगल पे सर्च करोगे हमाद सिद्धातर तो आपको मेरे सब प्रोजेक्ट्स खुल जाएंगे। अच्छा इसमें सॉन्ग्स भी है, बहुत सारी चीज़ें भी ना। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आप कुछ और करोगे अमित भाई से? मतलब मुझे इनकी बातें सुन के मतलब एकदम शॉक हो गया यार। नहीं एग्जैक्टली अमित भाई मैं अभी आया था ना यहाँ पे, तो व्यूअर्स अभी हमने जो एक सीन लिया था झाड़ के ऊपर, ये अमित सर थे, इन्होंने डेयरिंग से वो शॉट लिया, तो मैंने भी वो एग्जैक्टली शूट अच्छा किया है। और ये इंडस्ट्री में बहुत साल से है और इन्होंने सीरीज भी किया है, सीरियल भी किया है और मूवीज सॉन्ग्स सब किया है, तो हमें इनको मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच अमित सर, मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू बाय, टेक केयर। मैं राज चौधरी, मैं आज आया हूँ क्राइम पेट्रोल के सेट पे। क्राइम पेट्रोल सीरियल बहुत ही फेमस सीरियल थे जो सोनी टीवी पे आता है, तो आपको पता रहेगा इसकी शूटिंग कहाँ होती है। आपको ये पता नहीं रहेगा कि क्राइम पेट्रोल शूटिंग कहाँ पे होती है, मैं आपको बताऊँगा आज लाइव में कि शूटिंग कैसी होती है, शूटिंग कहाँ पर होती है, पुलिस का सेट कैसे होता है। ये सब कॉरिडोर है, इसी कॉरिडोर पर हवलदार आता है, यहाँ से सोनी टीवी का फेमस सीरियल क्राइम पेट्रोल की शूटिंग गाइस यहीं पर होती है, इसी पुलिस स्टेशन में इसकी शूटिंग होती है। आप देख सकते हो, आप क्राइम पेट्रोल सीरियल देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि स्टेशन यहीं पर होता है। अभी ये स्टेशन बंद है लेकिन अभी ये खुल जाएगा क्योंकि हम पहले आए थे, तो अभी मैं आपको अंदर से लेके बाहर तक इसकी सारी गाइस मैं आपको पूरा पुलिस स्टेशन एक्सप्लोर कराऊंगा। ये पंजाब की स्टोरी है तो आप पंजाबी लोग हैं, सो मैं आप देख सकते हो पीछे तो हवलदार है पंजाबी, हम जाके उनसे बात करते हैं कि उनको एक क्या बोलेंगे। तो भाजी आपका नाम क्या है? सिमर सिंह। आपका नाम क्या है? सुखबीर सिंह हंसपाल। तो पाजी आप कब से हो इस लाइन में? हो बॉम्बे एक साल हो गया। एक साल हो गया। बड़े बड़े स्टारों के साथ काम किया है। हाँ। जैसे शाहरुख खान साहब की जुबान फिल्म, उसमें हमारे क्लोज अप आए थे। हाँ। और एक जिले वाले बाग पर बन रही है पिक्चर, अपना अक्षय कुमार साहब बना रहे हैं। हाँ। तो उसमें भी हमारा काम है। हाँ। और आमिर खान की नमी तारे जमीन पर 2 बन रही है। हाँ। उसमें भी हम काम किया है, कर भी रहे हैं। हाँ। और अजय देवगन की आ रही है और उमे कहां दम था। अच्छा।
वो आ रही है नई पिक्चर, और उसमें भी काम किया है। तो सभी बड़े बड़े स्थानों के साथ काम किया है और सीरियलों में भी काम करते हैं। आज क्राइम पेट्रोल एग्जैक्टली आज पंजाब की स्टोरी, जिंदाबाद पंजाब पुलिस का सीन है, तो आज ये पंजाबी बने हुए। सो गाइस एग्जैक्टली क्या होता है शूटिंग में, जैसे मुंबई पुलिस तो मुंबई गेटअप होता है, पंजाब में तो पंजाब बची जाए, तो क्राइम पेट्रोल में ऐसा ही होता है कि गेटअप जो भी बंदा जो भी चाहिए ओरिजिनल चाहिए, तो इसलिए उनको बुलाया गया कि आज स्टोरी पंजाब की। बैरिकेड्स लग रही है और अभी सीन शुरू हो जाएगा। सब रेडी हो गए और नवनीत और बाजी क्या सीन है आपका आज यहाँ पे? आज हम लोग का ये हम लोग के फैमिली मेम्बर फंसे हुए थे, बच्चे पेरेंट हमारे पेरेंट हमारे बच्चे फंसे हुए। अच्छा वो सीन बच्चे फंसे हुए क्या? तो ये जब सब कुछ ये लोग किसके लिए आए? बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे जो सीन है ना, एक आतंकवादी ने बच्चों को किडनैप किया है और बच्चों लोगों को पुलिस लोग पेरेंट्स लोग आके धक्का मार। सो गाइस जो सीन शूट करने की तैयारी चल रही है, एक आतंकवादी ने एक बच्चे लोग को किडनैप किया है, तो इसमें वही सीन चल रहा है। डायरेक्टर पूरे इनको समझा रहे, देख सकते हो गाइस ये सब ड्रामा उसी के लिए चल रहा है। पुलिस वाले और जितने भी पेरेंट्स लोग हैं पुलिस वाले हैं जो अंदर आतंकवादी से बात कर रहे हैं, ये सब सीन चल रहा है अंदर। सो गाइस ब्लॉग में एंडिंग तक बने रहना। तो गाइस मैंने आपको बोला था कि आज पंजाब की स्टोरी है और पंजाब की स्टोरी में आपको किसी हवलदार से बात करा होगा, तो यहाँ पे दो मैडम बैठी हुई है, ये दोनों पंजाब की पुलिस बनी हुई है, तो हम इनसे बात करते हैं कि इनको कैसा लगता होगा शूटिंग में काम करते हुए। देखते मैडम पहले मेरे व्यूअर्स का आप हाय बोलना। हाय। आप भी हाय बोलो। हाय। आपका नाम क्या है? किरण गुप्ता। आपका नाम क्या है? मीरा मिश्रा। आप क्या आज क्या बने हो? हवलदार। आप क्या बने हो? मैं भी हवलदार बनी। तो गाइज मैंने इसलिए पूछा आपको क्या बने क्या बने, क्योंकि एग्जैक्टली इन्होंने ना सलवार सूट पहना है और मैडम ने भी सलवार सूट पहना है, तो एग्जैक्टली क्या आपने हमेशा हवलदार को देखा कि वो साड़ी पहनते होंगे ड्रेस पहनते होंगे, लेकिन आज गेटअप चेंज है, मतलब आज इन्होंने सलवार सूट पहना है, तो पंजाब की स्टोरी में पंजाबी हवलदार सलवार सूट पहनते हैं। तो मैडम आपको क्या कहना है मेरे व्यूअर्स को, कुछ कहना चाहते हो? आज आपने साड़ी क्यों नहीं पहना? आज पंजाबी लुक दिए है आपने, साड़ी क्यों नहीं पहना? पंजाबी। दोस्तों यही बच्चे लोग हैं जिनको आतंकवादी किडनैप करने वाला है, इन्हीं के साथ में वो सीन होने वाला है, इसलिए मैंने इनके साथ में स्पेशल बात की। आप देख सकते हो गाइस यही वो बच्चे लोग हैं, इनके साथ में वो सीन होने वाला है किडनैपिंग का, गाइस आप देख सकते हो। देखो दोस्तों अभी बच्चे लोग के साथ में आतंकवादी ने सीन शूट किया है, अभी इनको रंग लगा हुआ है तो अंदर इनका सीन शूट हो रहा था और मैं इसलिए बात नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने वॉइस ओवर डाल दिया। यही बच्चों लोगों को किडनैपिंग हुई थी, इन्हीं से पुलिस ने इनको बचा लिया है। अभी आगे क्या क्या हुआ मैं आपको प्रॉपरली बता दूंगा, अब व्लॉग में एंडिंग तो बन नहीं रहा। इसी पुलिस ऑफिसर ने आतंकवादी को मार दिया और अभी हम अभी अपने ब्लॉग को यहीं पर एंड करते गाइस। ये एंडिंग का सीन था, पुलिस वाले बच्चों लोग बचाते हैं, ये सीन शूट हो चुका है आप देख सकते हो गाइस, और अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच गाइस देखने के लिए, थैंक यू सो मच। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे।